मैं राजेंद्र प्रसाद राव प्रधानाध्यापक प्राथमिक विद्यालय रहजनिया पढ़ रहा हूँ मऊ। तो ये गांव की कहानी बतलाते हैं। इस गांव में नीम का बहुत बड़ा पेड़ था, ऐसे ही बहुत बड़ा पेड़ था। क्या था? हाँ, वृक्ष था। उस पे एक कौवा और एक गिलहरी रहते थे, ठीक है। कौन कौन रहते थे? हाँ, कौवा और गिलहरी। दोनों में बड़ी गाढ़ी मित्रता, दोस्ती थी, ठीक है। एक दूसरे को देखे बगैर रोना नहीं पाते, एक साथ खाते थे, ठीक है ना। तो उसके बाद क्या हुआ कि गिलहरी ने कौवे से कहा, ध्यान दीजिए, गिलहरी ने कौवे से कहा कि चलो भाई, हम लोग मिलकर खेती करते हैं और जो भी उसमें अन्न पैदा होगा उसको हम लोग आधा आधा बांट लेंगे, ठीक है। अगले दिन गिलहरी हर बैल को तैयार की और खेती करने के लिए कौवे से कहा, चलो भाई अब हम लोग चलते हैं खेत की जुताई करके आते हैं। कौवे ने कहा, तू चल मैं आता हूँ, चुच पड़ी रोटी खाता हूँ, हरी डाल पर बैठा हूँ, ठंडा पानी पीता हूँ। गिलहरी बिचारी गई खेत की जुताई करके, दोपहर में आई। उसके बाद कौवा उसी डाल पे बैठा रहा, उन्होंने देखा तो वहीं बैठा है। फिर अगले दिन उसमें गेहूं बोने की तैयारी में जुट गई, रात में इकट्ठा की बिचारी। सुबह फिर उन्होंने कौवे से कहा कि कौवा भाई, कौवा भाई, चलो हम लोग खेत में गेहूं की बुआई करके आते हैं। फिर कौवा ने कहा, क्या कहा अभी बोलेंगे, तू जल मैं आता हूँ, चुपड़ी रोटी खाता हूँ, हरी डाल पर बैठा हूँ, ठंडा पानी पीता हूँ। उसके बाद भी गिलहरी बिचारी गई खेत में अपना गेहूं बो करके चली जाए, बुआई करके चली जाए। कुछ दिनों के बाद फसल सींचने के लायक हो गई, अब उसमें पानी देने का समय आ गया। फिर उन्होंने कौवे से कहा, कौवा भाई देखिए, फसल में अब हम पानी देना चाहिए, उसकी सिंचाई करनी चाहिए, चलो हम लोग मिलकर उसकी सिंचाई करके आते हैं। फिर कौवा ने कहा, तू चल मैं आता हूँ, चुपड़ी रोटी खाता हूँ, हरी डाल पर बैठा हूँ, ठंडा पानी पीता हूँ। उसके बाद फिर अगले दिन फिर आती है गिलहरी। फिर कुछ समय के बाद, कुछ दिन के बाद समय बीतता जाता है, फसल तैयार हो जाती है। फसल क्या हो जाती है? तैयार। फिर कहता है, फिर कहती है लोमड़ी कि अरे भैया चलिए फसल तैयार हो गई है, बड़ा खुश होती है, चलिए उसकी हम कटाई करके आते हैं। फिर कौवा कहता है, तू चल बोले आता हूँ, चुपड़ी रोटी खाता हूँ, हरी डाल पर बैठा हूँ, ठंडा पानी पीता हूँ। उसके बाद फसल की कटाई हो गई। अब अगले दिन फिर गिलहरी ने कहा कौवे से, अरे भाई कम से कम चलो आधा आधा बांट लिया जाए, अपना हिस्सा तो ले लो चल करके, अब हम नहीं बोलेंगे आप बोलेंगे। तो फिर कौवे ने कहा, बहुत अच्छा। उसके बाद गिलहरी बिचारी गई अपना हिस्सा दो जगह बांट, ब्राह्मण मंडा वो बांट करके उनका हिस्सा भी छोड़ दिया, अपना हिस्सा लेके घर में चली आई। और उसके बाद बहुत जोर से आंधी आई, बहुत तेज बारिश आई, और इसका जो हिस्सा था कौवे का पानी में बह गया। क्या हो गया? पानी में बह गया।
और कौवा बेचारा डाल पे बैठ कर काँव 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 करने लगा। अच्छा आप बताइए, क्या इसमें से कितने लोग गिलहरी जैसा बनना चाहेंगे? बहुत अच्छा, ठीक है, अपने लिए ताली बजा दीजिए। कितने लोग कौवा जैसा बनना चाहेंगे, जो कौवा का स्वभाव था? बहुत अच्छी बात। कौवा कैसा था? आलसी, ठीक है ना, काम कुछ करना नहीं जानता, नहीं जाता, ठीक है। और गिलहरी कैसी थी बेचारी? तो हम लोगों को भी गिलहरी जैसा बनना चाहिए। अच्छा चलिए, इसी पर हम एक कला भी पढ़ता, हम अभी भी जैसे पेंसिल भी लिए हैं, जैसे है ना, अभी बैठे बैठे बना रहे थे, हम देखते हैं कि आप लोग कितने लोग बना लेते हैं। एक नीबी का वृक्ष है और तरीके का कौवा है, गिलहरी आपस में चल बात कर रहे हैं ना। अब देखना ये है कि आप लोग अपने मर्जी से कितने बना लेते हैं, यही आपका कार्य है। आज नहीं तो कल अपने मैडम को बना के दिखा दीजिए। कितने लोग दिखाएंगे? ठीक है, बहुत अच्छा, थैंक यू।